मूर्तियों के ऊपर आया था कि जो मूर्तियां उन्होंने लगवाई हैं उसका पैसा उनको देना पड़ेगा, तो क्या आने वाले टाइम के अंदर अगर सरकार बदलेगी तो क्या सरदार पटेल जी की मूर्ति के लिए भी ऐसा हो सकता है? उसके बारे में थोड़ा बताएं कि मूर्तियां जो लगवाई हैं वो सही थी या गलत थी। ये अपनी सोच है जी, ये सोच इतनी गंदी है ब्राह्मणवाद की, बहुत ज्यादा सोच है। मायावती जी ने वो बौद्ध धर्म को मानती हो ना मानती हो वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, हालांकि मानती हैं, वो सारे काम भिक्षों से कराती हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री दिल्ली यूपी की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बौद्धों के इतिहास को आगे उठाया है और उसकी रचना की है। उन्होंने बहुत सारे द्वार बनवाए हैं, बहुत सारे अपने बुद्ध विहारों की सहायता भी की है, बहुत स्मृति उन्होंने बनवाए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिले भी बनवाए हैं जी। अब जहाँ तक मूर्तियों की बात है या हाथी बनवाने की बात है, ये सारे दूसरे लोग पता नहीं कितनी करते हैं। अब मोदी ने चाइना से बुलाए और 3000 करोड़ कितना समथिंग है, 3000 करोड़ रुपये मूर्ति बनाने में लगा दिए, और मायावती ने थोड़ा सा पैसा लगा दिया, तो मायावती का मूर्ति बनाने को नष्ट कष्ट हो रहा है, और उसको जो है ये मूर्ति लगा दी मोदी ने। गुजरात का मोदी है और गुजरात का पटेल है जी, तो वो गुजरात के लिए काम कर रहा है जी, तो उसको क्यों लोग नहीं सोचते इस बात का। मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप गुजरात की स्थिति हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जितने भी भारत में आज लोग ऑफिसर्स हैं, चुनाव अधिकारी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सारे गुजरात के लोग हैं जी। क्या पूरी इंडिया के लोगों को समझ नहीं आता इस बात का कि पूरी इंडिया इतनी बड़ी है, सारे गुजरात को छाया पड़ा है जी। अगर सरदार पटेल गुजरात के नहीं होते तो जरूरी नहीं है कि मोदी गुजरात की मूर्ति लगवाते जी। तो मैं इस पक्ष में हूं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उनके खिलाफ होना चाहिए तो सबसे पहले जितने दूसरे नेताओं की तस्वीर है उनको भी हटाया जाए और उनसे जुर्माना ले जाए, और मोदी से जुर्माना ले जाए सरदार पटेल की मूर्ति लगाई है जी।